बारिश का मौसम हो या फिर इवनिंग स्नैक्स का टाइम, चाय के साथ अगर दाल के पकौड़े मिल जाए तो क्या कहना। बस आज की रेसिपी है दाल के पकौड़े। जी हाँ दोस्तों, ये चना दाल का पकौड़ा है और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और क्रिस्पी है। आवाज़ तो आपको मैं सुना ही चुका हूँ, तो चलिए एंड तक बने रहिए मेरे वीडियो में, मैं आपको बताऊँगा कैसे बनाया जाए दाल के पकौड़े। हेलो माय डियर फूड लवर्स, स्वागत है मेरे चैनल मील विद माधव पे। पकौड़े बनाने के लिए मैंने लिया है चना दाल, ये 500 ग्राम है दोस्तों। इसे मैं भिगो करके 3 से 4 घंटे के लिए सोल्ट कर लूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैं एक ले रहा हूँ मिक्सी ग्राइंडर और इसमें सोल्ट किया हुआ दाल को डालकर इसे मैं ब्लेंड करूंगा। लेकिन ब्लेंड करने से पहले मैं इसमें डालूंगा कुछ इंग्रेडिएंट्स। दोस्तों इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 इंच अदरक, जिसे मैंने अच्छे से क्लीन किया है, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, इसे मैंने अच्छे से छील लिया है, और 2 सूखी लाल मिर्च जिसे मैं इस तरह तोड़ लेता हूँ। अब दोस्तों मैं इसमें डालूंगा जीरा 1 टीस्पून और उसके बाद इसे मैं पीस लूंगा। दोस्तों याद रहे, आपको इसमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी का ही आपको इसे पीसना है, और दाल हमारा अच्छे से सोक्ड है इसलिए बहुत अच्छे से पीस जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छे से मैंने इसे पीस लिया है दाल को। तो बस अब चलिए, मैं इसमें 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च डाल रहा हूँ और 1 प्याज को मैंने इस तरह बारीक कट करके डाला है। अब मैं इसमें डालूंगा करी पत्ते 7 से 8, जिसे मैंने इस तरह छोटे छोटे कट कर लिए हैं, और उसके बाद आप इसमें ढेर सारा धनिया का पत्ता डालें दोस्तों। तो मैंने इसमें लगभग 50 ग्राम के आसपास धनिया का पत्ता अच्छे से कट करके डाला और उसके बाद इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ स्वाद के अनुसार नमक, तो मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगा हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। पकौड़े हमारे और भी अच्छे टेस्टी बने इसलिए मैं डाल रहा हूँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला का पाउडर। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें डालूंगा लाल मिर्च का पाउडर, तो ये भी मैं 1/4 टीस्पून डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाला ही था और सूखी लाल मिर्च डाल के इसे पीसा हूँ, तो इसलिए ये तीखा तो है ही, तो बहुत हल्का तीखा मैं इसमें और बढ़ा रहा हूँ, और कुछ धनिया के बीज मैं इस तरह अपने हाथ पे रगड़ के डाल रहा हूँ दोस्तों। अब मैं इसमें थोड़ा सा चना दाल जो मैंने बचा के रखा था वो डाल रहा हूँ इसमें लगभग 1/2 कप, और उसके बाद इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगा। तो आप एक चम्मच की सहायता से ऐसे ही मिक्स कर लें। दोस्तों पकौड़े का मिक्सचर हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है, तो बस आप अपने हाथ को हल्का सा धो ले और इस तरह थोड़े थोड़े बॉल्स बनाकर तेल में डालना है। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं, आप पैन गर्म कर ले और उसमें तेल को अच्छे से गर्म कर ले। तो मैंने रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो बस इसमें छोटे छोटे बॉल्स को आप फ्राई कर ले। तो आप अपने हाथों से इस तरह इसमें मिक्सचर डालें। तो ये देखिए मैं बॉल ले रहा हूँ और उसके बाद इसमें इस तरह फ्राई कर रहा हूँ छोटे छोटे बॉल्स डाल के। तो आप ऐसे ही ढेर सारा बॉल्स इसमें डाल ले तेल में। अब आंच को हल्का कम कर लेंगे और इसे अच्छे से करारा होने तक फ्राई करेंगे।
ये देखिए दोस्तों, पकौड़े फ्राई हो चुके हैं और ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं। तो बस इसे मैं इस तरह एक बार और पलट के दूसरे साइड से भी हल्का सा डीप ब्राउन कर लूँगा। तो ये देखिए, इससे पकौड़े करारे बनते हैं और इसे एकदम हल्के आँच पर आप पकने दें। तो देखिए पकौड़े हमारे रेडी हैं, मैं इसे अब बाहर निकाल लूंगा। तो आप जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसे एक अच्छे से स्पैचुला पे इस तरह करके और बाहर निकाल ले। तो फर्स्ट बैच हमारा बन के रेडी है, तो सेम प्रोसेस से हम सेकेंड बैच भी बना लेंगे। लेकिन दोस्तों आप फिर से ऑयल को अच्छे से गर्म कर ले और बहुत ही सावधानी से डालें ताकि आपके हाथों पर तेल के गर्म छींटे ना पड़े। तो ये देखिए पकौड़े इसमें डालकर हम इसे फिर से फ्राई करके सेकेंड बैच भी रेडी कर लेंगे। दोस्तों मैंने अपने चैनल पर कांदा भजिया यानी कि प्याज के पकौड़े की रेसिपी भी डाला हूं, तो आप चाहे तो आई बटन पे जाके उसे देख सकते हैं। तो ये देखिए सेकेंड बैच भी हमारा रेडी है, तो इसे भी मैं बाहर निकाल लूंगा। तो दोस्तों मैं पकौड़े के साथ खाने के लिए ग्रीन चटनी बना रहा हूँ, तो मैंने लिया है रोस्टेड पीनट्स थोड़ा सा ये, और एक लाल मिर्च और एक हरी मिर्च, और ये थोड़े से धनिया के पत्ते हैं, और उसके बाद हाफ इंच अदरक का टुकड़ा, और ये हाफ कप दही, और एकदम हाफ कप थोड़ा सा पानी। तो बस इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगा। ये देखिए दोस्तों चटनी बनकर रेडी है, तो मैं इसे एक बाउल में बाहर निकाल लेता हूँ। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ स्वाद के अनुसार नमक, और इसे थोड़ा सा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगा 1/4 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर ले, और ये देखिए हमारा एकदम टेस्टी टेस्टी ग्रीन चटनी बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं कुछ हरी मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ते को इस तरह हल्का सा फ्राई करके इसे मैं रेडी कर लूंगा पकौड़े के साथ खाने के लिए। तो देखिए चटनी हमारा रेडी है, तो बस इसमें हम डालेंगे पकौड़े, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़े बने दोस्तों। तो मैं इसमें सारे पकौड़े पहले डाल देता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और आप चाहे तो इसे चाय के भी साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, बस ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं दोस्तों। आप इसकी आवाज सुन सकते हैं ये कितने ज्यादा करारे हैं, देखा? तो चलिए मैं इसे खा के दिखाता हूं। तो आप भी बनाइए दाल के पकौड़े और एंजॉय कीजिए चाय के साथ। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी और रेसिपी में मेरे चैनल मील विद माधव पे। तब तक के लिए बाय बाय।